Dear student, today we will study computer standard 2. I am your computer teacher Rubina. So, let's start chapter 2 parts of computer. Computer has four main parts monitor, keyboard, mouse, and CPU. देखो यहाँ पर बच्चों हमको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखना है यानी कि कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों के बारे में तो कंप्यूटर के चार हिस्से होते हैं मॉनिटर कीबोर्ड माउस और सी पी यू इच पार्ट हैज़ अ स्पेशल फंक्शन यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट देम इन प्रीवियस क्लास अस डिस्कस देयर फंक्शन आप ये पहले सीख चुके हैं इन पार्ट्स के बारे में अब हम इनके फंक्शन के बारे में सीखेंगे डिस्कस करेंगे चर्चा करेंगे तो पहला पार्ट से मॉनिटर फर्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ मॉनिटर ना मॉनिटर इज़ अ डिवाइस दैट डिस्प्ले वर्ड्स एंड पिक्चर्स अब मॉनिटर ऐसा डिवाइस है जैसे टीवी की स्क्रीन होती है जो हमको पिक्चर और आ, सा, बहुत सारी चीज़ें पिक्चर्स है वगैरह है फोटोस है इमेजेस है या कोई मूवीज है हम उसके ऊपर जैसे स्क्रीन पर देखते हैं उसी तरह से ये मोनीटर पर फिर भी देख सकते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है शॉर्ट में इसको वी कहा जाता है इन शॉर्ट दे, वी से दिस वी डी यू नाव की बोर्ड नाव की बोर्ड इट हैज़ मैनी बटन्स कॉल कीज इसके ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसको कीज़ कहा जाता है इट इज़ यूज टू टाइप नंबर्स और इसका इस्तेमाल वी यूज़ दिस की बोर्ड फॉर टाइपिंग नंबर्स एंड राइटिंग लेटर्स लेटर्स एंड अदर सिंबल्स और दूसरे सारे सिंबल्स भी अगर हमको टाइप करने हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं व्हाट एवर यू टाइप ऑन द कीबोर्ड अपीयर्स ऑन मॉनिटर जो भी आप कीबोर्ड पर टाइप करोगे वो मोनीटर पर दिखाई देगा ना माउस इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस माउस क्या है पॉइंटिंग डिवाइस है इट इज ज्वाइन बाइड अ केबल टू अ कंप्यूटर जो कंप्यूटर में एक केबल एक वायर की तरह साथ जुड़ी हुई होती है इट इज़ यूज फॉर पेंटिंग थिंग्स एंड ड्राॅइंग पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर ये देखो इसका इस्तेमाल किसी चीज़ को इंडिकेट यानी बताने के लिए पॉइंट कर पॉइंट आउट करने के लिए बताया जाता है ड्राॅइंग करने के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ माउस वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स एंड पॉइंटिंग पॉइंटिंग थिंग्स इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सेलेक्टिंग थिंग्स ऑन कम्प्यूटर इसका इस्तेमाल कम्प्यूटर पर अगर कोई चीज़ सिलेक्ट करनी हो तभी किया जाता है वायरलेस माउस एंड की पैड आर ऑल्सो अवेलेबल नाव इन मॉडर्न एरा अभी जो हाल का जो मॉडर्न एरा है इसमें वायरलेस माउस और की पैड भी अवेलेबल है नाव सी पी यू सी पी यू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सी पी यू क्या है कंप्यूटर का ब्रेन है दिमाग है जिस तरह हम इंसान ह्यूमन बॉडी में माइंड होता है दिमाग होता है ब्रेन होता है उसी तरह कंप्यूटर में भी उसका जो दिमाग है वो सी है इट प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस एंड गिव्स रिज़ल्ट देखो जो हम इसको इंस्ट्रक्शंस या कमांड देते हैं उसके ऊपर ये काम करता है और रिजल्ट देता है मतलब में उसका नतीजा सामने आता है हमको मॉनिटर पे दिखाई देता है जो चीज़ हम चाहते हैं वो जो भी काम हम करना चाहते हैं या जो कमांड हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो डिस्प्ले करता है मॉनिटर पे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना प्रिंटर ना लेटर्स डिस्कस सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर अब दूसरे जो पार्ट्स है कंप्यूटर के उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिस्कस करेंगे ना प्रिंटर इट हेल्प्स यू टू गेट योर वर्क ऑन द पेपर अब देखो जो भी काम या कोई भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो जो मॉनिटर पे होता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे अगर हम चाहते कि ये हमको कागज़ पे हम उसको लेना चाहे तो ये प्रिंटर हमारी उसके लिए मदद करता है इट इज़ यूज टू प्रिंट द थिंग्स देट आर शोन ऑन द मोनीटर पहले मैंने जैसे आपको बताया जो मोनीटर पे दिखाई देता है अगर मान लो हमने कोई अच्छी सी पिक्चर बनाई है कंप्यूटर पे, मोनीटर पे, तो हम चाहते हैं कि भाई ये ये हम अप, हमारे पास एक फ़ाइल में रखें संभाल के तो हम उसका क्या करेंगे प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लेंगे एक पेपर पर पे. तो उस चीज़ को हम संभाल कर हमारे पास पेपर पर भी रख सकते हैं वही पिक्चर सेम पेपर पर प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा प्रिंटर की मदद से विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर वी कैन प्रिंट आउट सो मैनी थिंग्स पिक्चर्स इमेज और द वर्क वॉट वॉट वी डन जो भी काम हमने किया हुआ है वो हम कंप्यूटर के प्रिंट आउट के जरिए पेपर पर निकाल सकते हैं टेकिंग अ कॉपी ऑफ योर वर्क ऑन अ पेपर इज कॉल्ड प्रिंट आउट अभी जैसे मैंने बताया प्रिंट आउट प्रिंटर के ऊपर जो हम निकालते हैं पेज जो हमने काम किया होता है कंप्यूटर पे जो वो जो निकल के आती है प्रिंट पेपर जो बाहर निकल के आती है उसको प्रिंट आउट कहते हैं ना स्पीकर हेडफोन माइक्रोफोन स्पीकर एंड हेडफोन्स हेल्प अस टू हियर साउंड एंड सॉन्ग्स देखो इसमें से जो स्पीकर है वो हमको किस चीज़ में मदद करता है स्पीकर और हेडफोन्स हेल्प अस टू हियर साउंड एंड सॉन्ग्स जो हम म्यूज़िक सिस्टम लगाते हैं तो उसमें स्पीकर का इस्तेमाल होता है और हेडफोन के ज़रिए क्या होता है हम कान में अपने सिर्फ अपने कान में सुन सकते हैं म्यूज़िक को और साउंड को किसी भी तरह का सॉन्ग है म्यूज़िक है या कोई भी तरह की आवाज़ है माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड योर वॉइस एंड अदर डिफरेंट साउंड जबकि माइक्रोफोन जो है वो आपको कोई भी तरह का वॉइस आपको रिकॉर्ड करना हो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करनी हो और अलग अलग तरह की साउंड्स आपको रिकॉर्ड करने तो उसके लिए भी आपको आ, माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम माइक कहते हैं जिसमें हम गाना गाते तो सपोज गाना गाने के लिए यूज़ करते हैं वी यूज़ माइक्रोफोन टू सिंग अ सॉन्ग और वी यूज़ माइक्रोफोन टू रिकॉर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स नाउ हेडफोन अब हेडफोन किसको कहते हैं जो हम कान में लगाते हैं ईयरफोन हेडफोन जो सर पे लगाते हैं उसको कहते हैं देखो सी इन द पिक्चर द स्पीकर हेडफोन एंड माइक्रोफोन्स पिक्चर्स आर गिवन सी हेडफोन इज़ यूज्ड टू लिसन टू साउंड और म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स हेडफोन का इस्तेमाल क्या होता है हमको साउंड सुनने में या म्यूजिक सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स मीन्स के दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते हुए सिर्फ हमको ही सुनाई देगा दूसरे किसी को सुनाई नहीं देगा नाव यू पी एस इट कीप्स द कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम वेन इलेक्ट्रिसिटी गोजो अभी यू पी एस जो है बेटा बच्चों स्टूडेंट्स इट यूज फॉर इट इट्स कीप वर्किंग कंप्यूटर फॉर सम टाइम वेन इलेक्ट्रिसिटीज़ गॉव ऑफ मीन्स का जब बिजली चली जाती है तो ये थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर को चालू रखता है वर्किंग में रखता है इसके अंदर जो पावर होता है वो थोड़ी देर के लिए सेव किया जाता है और उसी के जरिए कंप्यूटर भी काम करता है ओके ना वी विल सी वी विल स्टडी दिस चैप्टर इन सेकेंड पार्ट ओके देन फ्रेंड्स स्टूडेंट्स बाय